एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में तो, रिजल्ट के बारे में तो बहुत सुना है, आप हर जगह यूज़ करते आए हो, बट आप यहाँ पे प्रूफ करोगे पाइथागोरस थ्योरम को कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो आपका ये पार्ट फिफ्थ है ट्रायंगल्स चैप्टर का। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। पार्ट सेकंड में हमने सिमिलर ट्रायंगल की कुछ थ्योरम्स को प्रूफ किया था जो कि 6.2 एक्सरसाइज पे बेस थी। एंड थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, उसकी भी आपने कुछ थ्योरम्स वहाँ से की थी। एंड पार्ट फोर में आपने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्या है, आपका थ्योरम्स का लास्ट पार्ट है सिक्स चैप्टर की, ट्रायंगल्स चैप्टर की। तो देखो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है, आपने वैसे इसको पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा तो, लेकिन आज हम इसका प्रूफ करेंगे एक थ्योरम के थ्रू। तो वो देखो क्या होगी आपके पास थ्योरम। आपके पास थ्योरम है देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। आपके पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, दोनों दूसरी साइड के सम के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, यानी कि हम इसी को ही बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम किसका प्रूफ कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वी आर गिवन पाइथागोरस थ्योरम। उसको देखो कैसे डिस्कस करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें आपका जो राइट एंगल है वो किस पे है, आपका बी पॉइंट पे। देन आपके पास क्या होगा, बी डी आप क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। आपके पास जो ए सी साइड है, बी डी जो है उस पे परपेंडिकुलर है। देन वी नीड टू प्रूव दैट आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना था कि हाइपोटेन्यूज साइड थी जो, वो आपकी बाकी दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल थी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, इनके दो, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था आपका, दोनों साइड की सम के इक्वल था ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पे देखो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या है, बी सी स्क्वायर। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, यानी आपको प्रूफ करना, देन आपके पास क्या है, नाउ ट्रायंगल ए डी बी सी बी, यानी कि ए बी सी के इक्वल प्रूफ करनी है आपको। देन आपके पास क्या होगा, ए डी साइड किसके इक्वल है आपके, ए डी बाय में ए बी, यानी कि ए डी बाय में ए बी, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। आपके पास क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, आपके पास क्या है, ए डी बाय में ए बी, ए डी आपके पास क्या है आपका, ये क्या है आपका कंप्लीट, ए सी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज बाय में जो आपके पास ये है ए बी, आपने क्या ले ली, दो ट्रायंगल ले ली ए डी बी एंड ए बी सी, या इसको ए सी बी लिख लो आप, ए डी बाय में ए बी, ए डी बाय में ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय में ए सी, यानी कि ए बी बाय में ए सी। आपको दोनों ट्रायंगल्स में से लेना था, ए डी बाय में ए बी एंड ए बी बाय में ए सी, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से,
AD, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो यहाँ से, AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके क्या है, साइड इन सेम रेशियो, आपके पास सेम रेशियो में होती है दो ट्रायंगल्स की साइड। तो देखो नेक्स्ट आपके पास क्या लेके चलते हो, ट्रायंगल BDC परपेंडिकुलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। आपने पहले क्या ली थी, ट्रायंगल ADB वाली ली थी, अब आप ले रहे हो BDC वाली, वो किसके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC के। तो अब आपके पास क्या होगा, CD बाय में BC इज इक्वल्स टू BC बाय में AC, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी आपकी साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो रेशियो आपकी वो इक्वल है, सेम है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, CD इंटू में AC इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, देन आपके पास क्या आया, AD इंटू में AC प्लस में CD इंटू में AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, आपके पास ये चीज़ आई। देन आप में से यहाँ पे AC AC क्या है, दोनों में कॉमन है, देन AC AD प्लस CD इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी आपके पास यहाँ पे क्या है, AD और CD, AD प्लस CD। अभी यहाँ पे देखो आप, AD प्लस CD आपके पास क्या बनता है, AC बनता है। तो देखो यहाँ पे आप लिखो कि AD प्लस CD इज इक्वल्स टू AC, AC के इक्वल बनता है वो। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, AC इंटू में AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। देन ये भी क्या हो गया आपके पास, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। तो ये आपकी थ्योरम क्या होगी, प्रूव होगी, हैंस प्रूव्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम से आपने ये प्रूव किया कि आपके पास जो हाइपोटन्यूज है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम 6.9, लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की। वो देखो क्या है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। यानी कि आपके पास जो अपोजिट एंगल है वो आपके फर्स्ट साइड, अपोजिट एंगल है फर्स्ट साइड का, वो क्या है आपके पास, राइट एंगल होगा। तो आपके पास देखो, आपने दो ट्रायंगल्स लिए हैं यहाँ पे, ABC एंड PRQ, यानी कि PQR। तो इसमें आपके जो एंगल की अपोजिट साइड है, यानी कि आपकी जो अपोजिट साइड है वो क्या बनाएगी, आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस चीज को आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या था, आपके पास ट्रायंगल में ये चीज थी कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ABC में आपके पास ये था और एंगल B आपने क्या प्रूफ करना है, इसमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर ली हमने एक PQR ट्रायंगल, राइट एंगल आपका किस पे है, क्यू पे है, सच दैट PQ इज इक्वल्स टू AB, यानी कि PQ किसके इक्वल है, AB के, एंड जो आपके पास QR है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। सो फ्रॉम ट्रायंगल PQR से हम क्या चीज प्रूफ करते हैं, PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय थ्योरम पाइथागोरस। देन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो PQ है वो किसके इक्वल है, यहाँ से आपने देखा था कि AB के इक्वल है एंड QR आपका BC के इक्वल है। देन आप यहाँ पे PQ स्क्वायर एंड Q स्क्वायर की जगह आप ये चीज लिख सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता है कि आपको क्या गिवन है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके पास ये चीज गिवन है। आपने पिछले थ्योरम में, ये पाइथागोरस थ्योरम में हमने प्रूफ किया, ये रिजल्ट है इसका।
पाइथागोरस थ्योरम का, देन आपके पास जब ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है ए सी स्क्वायर के, एंड आपके पास यहाँ आपका ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है पी आर के स्क्वायर के, देन आपका ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा पी आर के इक्वल आ जाएगा, पी आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो स्क्वायर स्क्वायर आपका कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगी ए सी इक्वल्स टू पी आर। देन फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, आपकी जो एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेके चले हैं एंड जो आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है हमने पी क्यू आर, उसमें से जो आपकी ए बी साइड है वो किसके इक्वल है पी क्यू के है, बी सी आपकी क्यू आर के है एंड ए सी आपकी पी आर के है, जो हमने प्रूव किया है ये दोनों आपकी बाय कंस्ट्रक्शन थी, तो हमारी तीसरी साइड भी हमारी प्रूफ होगी क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारी दोनों ट्राइंगल्स, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुई हैं आपकी एस एस कॉन्ग्रुएंसी यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी से आपकी प्रूफ होगी। तो जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल क्यू भी आपका 90 का है तो एंगल बी भी आपका 90 का होगा। तो ये थी आपकी लास्ट थ्योरम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू। एंड फॉर एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व एक्सरसाइज दो मस्ट वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।